अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, आप देख रहे हैं आरएम डिश इन्फो। वीवर, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा सेनेटर सैटेलाइट रिसीवर। और वीवर, ये बहुत ही प्यारा बॉक्स है और अभी ये मार्केट में नया आया है, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें कि ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीवर, मेरा दूसरा चैनल आरएम डिश टीवी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, तो मैंने ये नया चैनल बनाया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करें। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आपको इसका मेन्यू भी दिखाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आरएम डिश टीवी पर थी, अभी इस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपको 15 मंथ सैटेलाइट के चैनल देख सकते हैं और 12 मंथ आप इसमें टीवी एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये मॉडल है, ये H265 है, HEVC है, फुल HD है। और उसके बाद आप इसमें 8000 चैनल स्टोर कर सकते हैं, 100 नई सैटेलाइट लिख सकते हैं और 4000 नई TP भी लिख सकते हैं। YouTube बिल्कुल इस पर वर्क है और ये 5G है और इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलेगा, एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये 1080 है, ब्लूटूथ इसमें है और भी काफ़ी कुछ इसमें है। तो ये इसकी डिटेल वगैरह भी आप देख लें वीवर, बिल्कुल मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वीवर, अभी मैं आपको इसकी एक्सेसरी भी चेक करवाता हूँ और उसके पर टीवी पर इसका मेन्यू भी चेक करवाऊँगा। तो हम पहले इसको कर लेते हैं जी ओपन बॉक्स को। तो ये डब्बा है, यहाँ से आपने इसकी पैकिंग ये देखें, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सबसे ऊपर आपको इसका मिलेगा बॉक्स। जब भी अभी मैं आपको चक्रवाता हूँ, पहले आपको और चक्रवा देता हूँ इसकी एक्सेसरीज। ये इसमें आपको दो रिमोट मिलते हैं, ये देखें वीवर, एक रिमोट सेंसर वाला है और एक ब्लूटूथ वाला है। ये अभी देखते जाएं। और ये रिमोट इसका सेंसर वाला है, बहुत ही प्यारा रिमोट है और अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, यानी कि आम छोटे मिनी रिसीवरों के निस्बत काफ़ी ये पावरफुल हैं, पायदार हैं। और रिसीवर के लिए, रिमोट के लिए आपको सेल भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है दुकान पर, ये भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। और क्या कुछ इसमें मिलता है, ये इसका अडाप्टर है और अडाप्टर इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, जैसा कि इस स्टार सेट 7 में आया था और आईकॉन एरन प्रो में है, ऐसा ही ये अडाप्टर है। काफ़ी यानी कि ये देखें, इसकी लीड भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको साथ मिलेगा। और क्या कुछ मिलता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी लीड है HDMI, ये भी आपको साथ मिलेगी। और ये इसका IR सेंसर है, ये भी आपको साथ मिलेगा। और ये ब्रैकेट है, अगर आप इसे दीवार के साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर आप रिसीवर को LED के साथ लगाना चाहें तो ये टेप दोनों तरफ जुड़ जाती है। और ये सेंसर को लगाने के लिए ये टेप भी है, दोनों तरफ जुड़ जाती है। और जो ये इसका मैनुअल यूज़र है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें वरना आपकी मर्ज़ी। अभी मैं आपको बॉक्स भी चेक करवाता हूँ कि कैसा है। तो ये मैंने इसकी पैकिंग उतार ली है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है, आम मिनी रिसीवरों से इसका ज़्यादा पुख्ता मटेरियल है प्लास्टिक। और ये इसके ऊपर भी इसका नाम मेंशन है और ये इसके नीचे वाली साइड है, ये देखें व्यूअर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। ये तार है यहाँ आपने लगानी है इसके डिश की, ट्यूनर की, जहाँ आपने IR सेंसर लगाना है, HDMI आउटपुट लगानी है, ऑडियो वीडियो लगानी है। ये USB के लिए है क्योंकि इसमें एक ही पोर्ट दी गई है, ये बिल्ट इन वाईफाई है। और यहाँ आपने 12 वोल्ट अडाप्टर लगाना है। दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको ये 3 बटन मिलेंगे,
एक बटन चैनल को यानी कि ज़्यादा और कम करने के लिए है, और एक ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप RS-232 केबल के ज़रिए इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, और ये इसकी सील है। बाकी इसमें कार्ड का भी ऑप्शन है, और ये इसके नीचे भी हवा लग सकती है, और इसके ऊपर भी ये देखें ये हवा के दी गई है जगह, और बहुत ही अच्छा बॉक्स है। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रब्ता आप कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा पहले वाला चैनल है वो रिमूव हो गया यूट्यूब से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसका बेनिफिट मिले। और दूसरी बात, मैं आपको पता कि सैटेलाइट रिसीवरों की वीडियो बनाता रहता हूं, और डिशेज वगैरह की भी, तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको आने वाले वक्त में काफ़ी वीडियो मिलेंगी तमाम रिसीवरों की। अभी ये शुरुआत है, तो आइंदा आपको और भी वीडियो मिलेंगी। तो चलते हैं टीवी की तरफ।